क्वेश्चन नंबर 265 अगेन ऑफ द सिमिलर कैटेगरी. डिटरमिन के सो दैट के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी. अब उसने पहले ही बोल दिया दैट दीज थ्री आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी. हम क्या लिखेंगे? एज दीज आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी. तो इसका रिजल्ट क्या है? ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म शुड बी इक्वल टू ए प्लस सी. सो ट्वाइस ऑफ 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू ए इज k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4. मल्टीप्लाई कर दीजिए 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 इधर बना 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12. यस और नो बोलिए. 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर कट 12 एंड 12 कट 2k इज इक्वल्स टू 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 0. इज दैट क्लियर? इसका मतलब नोटिस करो एक्चुअली एपी क्या थी? 8 6 एंड 4 के वाली टर्म्स तो 0 ही थी. कहानी पकड़ में आई? तो 8 6 एंड 4 एपी में ही था बेटा. ये उधर गया 8k माइनस 6k 2k बच गया कुछ नहीं तो 0 था. तो k 0 हो गया. करिए जी.